Joining us on the broadcast is Mr. Sumer Singh Solanki of the BJP, Rajya Sabha member of the BJP, Sumer Singh Solanki, with us on the broadcast. Mr. Solanki, thank you so much for speaking to NewsX. I begin by asking you, Solanki ji, aapke anusar Shivraj Singh Chauhan ki sarkar ki sabse badi achievements kya rahi hain? देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से रही है, तब से जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य था, उसको आज विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये कि हमारे किसान भाइयों और बहनों को सिंचाई के लिए जो साधन प्राप्त नहीं थे कांग्रेस के समय में, उन किसान भाइयों और बहनों को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, नहरों के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाकर हमने 80 लाख हेक्टेयर से अधिक करने का रिकॉर्ड कायम किया है और किसान के लिए जितनी सुविधाएं बेहतर हो सकती थी उतने करने का प्रयास हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी बहनों के लिए और बेटियों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है और आज मध्य प्रदेश की बेटियां सक्षम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथ ही दुनिया के अंदर एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 से अधिक बहनों को लाभान्वित करने का काम और उनको सम्मान देने का काम और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीबों के लिए संबल योजना हम सब के लिए वरदान साबित हुई है और आदिवासी समाज के जीवन को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, ये हमारे डबल इंजन की सरकारों ने सचमुच में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की भूमिका में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने निभाई है। जी सोलंकी जी, आपने महिलाओं की बात करी तो उसी पे मैं दोबारा चर्चा करना चाहती हूँ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर काफी फोकस रखा है, आपने भी लाडली स्कीम के बारे में बताया, पर बाकी का क्या ऐसा काम हुआ है राज्य में महिलाओं को लेकर और बीजेपी का विजन क्या है मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारी बहनों को सशक्त और मजबूत कराने की दिशा में, मजबूत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाकर लाभान्वित करने का काम किया है, उनको आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमारी आदिवासी बहनें, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 रुपये महीना देती थी, उसको भी कांग्रेस ने बंद कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लागू किया और आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 45,00,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों को लखपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की बहनों से ये वादा किया है कि मध्य प्रदेश में सरकार फिर से बनेगी और बहनों को ये लाडली बहना योजना का लाभ आज हम 1,250 रुपये दे रहे हैं, इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये तक देने का हमने वादा किया है और ये वादा हमारी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत, सक्षम और हर बहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है और आने वाले समय में कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटियों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्कूटी देने का काम, उन्हें मेडिकल में जो फीस लगती है उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार
भरने का काम करेगी। और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए निशुल्क देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। जी समीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में ये जो कपड़ा फाड़ विवाद हुआ है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चर्चा की है, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा? ये कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार है, संगठन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के ये बड़े नेता जो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके समर्थक एक दूसरे को आपस में जो गालियां दे रहे हैं, ये कांग्रेस के संस्कार में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार का एक हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का बंठा ढार किया है, उसी प्रकार से हमारे समाज के भाइयों और बहनों के बीच में भी कपड़े फाड़ने के बीज बोने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि इन्होंने देश के अंदर भी एक दूसरे को आपस में लड़वाने का काम किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जीवन में कभी समाज का भला नहीं कर सकती है। ओके, एंड विभाजन की बात करें अगर, तो जो अभी हाल ही में कांग्रेस और सपा के बीच में हमने देखा कि एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे दोनों पार्टियां नहीं सहमत हो पाई और उन्होंने अब चुनाव सेपरेटली लड़ा है, अलग अलग लड़ा है, क्या लगता है कि ये भी आपके फेवर में काम करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर धरातल पर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में होती है। लेकिन अगर आपने जिस प्रकार से कहा कि जो छोटे दल है, वो छोटे दल अक्सर अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होता है, तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। एट द सेम टाइम मिस्टर सोलंकी, आई जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, कांग्रेस हैज मेड द ओबीसी कोटा इट्स बिगेस्ट पोल प्रॉमिस। जो ओबीसी कोटा है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी वादा है, इस पर बीजेपी की क्या टिप्पणी रहेगी? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने देश के अंदर समाज को आपस में लड़वाने का सदैव काम किया है और कांग्रेस के चरित्र में ही ये है और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। मैं कांग्रेस के हमारे उन वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर आपकी सरकार 60 सालों तक रही और इन 60 सालों की अवधि में भी आपने समाज को और वर्गों को जातियों में बांटकर आपस में लड़वाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, उसमें हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। कांग्रेस ने सदैव पक्षपात किया है और गरीब और पिछड़े लोगों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है। मैं कांग्रेस की इस रीति और नीति से मध्य प्रदेश के और देश के भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये आपस में लड़वाने का काम करते हैं। और ये जो आपने सवाल पूछा है, ये इसी का हिस्सा है कि कांग्रेस फिर से ये प्रयास कर रही है इस बिंदु को लेकर कि आपस में समाज में मतभेद पैदा हो जाए और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। सुमीर जी, बिफोर वी लेट यू गो, एक आखिरी सवाल जो सब सबकी जुबान पर है, अगर भाजपा मध्य प्रदेश में वापस आती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे? मध्य प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा में टिकट देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े अवसर मिलते हैं और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये संगठन का विषय है,
संगठन सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को यह दायित्व देने का निर्णय करता है और भविष्य में भी इस प्रकार के जब निर्णय होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन श्रेष्ठ व्यक्ति को यह दायित्व सौंपेगा। All right, that was Sumir Solanki with us on NewsX. Thank you so much, Mr. Solanki, for speaking to NewsX about the BJP's perspective on Madhya Pradesh. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.